गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10th, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, पॉलीनोमियल। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ये वीडियो मैं दो पार्ट में बना रही हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। पहला पार्ट जो है वो बेसिकली हमने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ है, पर फिर भी एक बार मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज़ पॉलीनोमियल। सबसे पहले तो पॉलीनोमियल क्या होता है, तो कोई एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल होता है उसे हम पॉलीनोमियल बोलते हैं, बराबर। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4x2 -4x+3, बराबर। तो यहाँ ये मेरा पॉलीनोमियल बना और यहाँ पर मेरा वेरिएबल x है, तो इसे मैं बोलूंगी पॉलीनोमियल ऑफ x, बराबर ना। यहाँ मेरा वेरिएबल x है तो ये मेरा कहलाएगा पॉलीनोमियल ऑफ x। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये पॉलीनोमियल 3 टर्म से बना हुआ है, 4x² -4x और +3, बराबर ना। तो ये पॉलीनोमियल ऑफ x जो है मेरा 3 टर्म से बना हुआ है। इसी तरह से मैं बनाती हूँ 3y³ +4y² -9y +7, तो ये मेरा कहलाएगा पॉलीनोमियल ऑफ y। यहाँ पर मेरे सारे वेरिएबल y है, इसलिए ये मेरा बना पॉलीनोमियल ऑफ y, बराबर ना। तो आप समझ गए होंगे कि पॉलीनोमियल क्या होता है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल होता है उसे हम पॉलीनोमियल बोलते हैं, और वो वेरिएबल जो भी होगा वो हमारा पॉलीनोमियल ऑफ x या पॉलीनोमियल ऑफ y या पॉलीनोमियल ऑफ z जो भी हो, बराबर, वो हम उसे पॉलीनोमियल ऑफ xyz बोलेंगे। अब ये जो है हमारा पॉलीनोमियल वो 3 चीजों से बना हुआ है बेसिकली, बराबर। सबसे पहले इसमें हमारा आता है कोफिशियंट। अब ये 4x² में लू तो इसमें 4 जो है वो है मेरा कोफिशियंट, बराबर ना। इसे हम बोलते हैं कोफिशियंट। x जो है मेरा वो है मेरा वेरिएबल। अब यहां x की जगह मैं जो भी लेना चाहूं, y, z, फिर s या n या जो भी लेना चाहो, बराबर ना, वो वेरिएबल बन जाता है। और ये जो 2 है यानी ये 4x², ये उसकी पावर हुई। तो बेसिकली हमारा पॉलीनोमियल 3 चीजों से बनता है, पहला है कोफिशियंट, दूसरा है वेरिएबल और तीसरी है उसकी पावर, बराबर। ये इतना क्लियर हुआ होगा आपको, आई होप। अब दूसरी चीज जो है हम पढ़ते हैं हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो पहला आता है मोनोमियल, जिसमें 1 टर्म होती है, बराबर। एग्जाम्पल x, -2y² x³, बराबर ना। तो इन सभी में ओनली सिंगल टर्म है, तो ये जो हुआ मेरा 1 टर्म या मोनोमियल। सेकेंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल यहाँ यानी जहां 2 टर्म्स होती है। यहाँ पर कौन कौन सी 2 टर्म्स है, तो 3x² +4x³, बराबर, -x - 4। यहाँ पर कौन सी 2 टर्म है, एक तो x है और दूसरी -4। थर्ड एग्जाम्पल 2y² -9y। तो यहाँ पर मेरी पहली टर्म है 2y² और दूसरी टर्म है -9y। तो ये हुआ मेरा बाइनोमियल। थर्ड इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी जहां पर 3 टर्म होती है, बराबर। x² +7x - x³, बराबर। तो यहां पर मेरी पहली टर्म है x², सेकेंड है +7x और थर्ड है -x³, बराबर ना। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जमी हुई नहीं है, इसलिए जब भी आपको इस टाइप के सम आता है तो सबसे पहले हमें हमारे पॉलीनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी सबसे बड़ी डिग्री जो होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, बराबर। यहाँ पर x² +7x - x³ है, तो जब
इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, बराबर। ये आपको एग्जांपल के लिए मैं बताया है ना, आपको बहुत सारे सम्स में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। सपोज ऐसा दे दिया कि चलो फोर फोर एक्स प्लस फोर स्क्वायर प्लस फोर, तो हम सीधा सीधा ये सॉल्व करने बैठ जाते हैं, पर इस तरह से कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। हमें सबसे पहले हमारे पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना पड़ता है, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, और सी इज अवर कॉन्स्टेंट, बराबर ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पॉलिनोमियल को जमाना पड़ता है। फिर फोर्थ है क्वाड्रिनोमियल पॉलिनोमियल, जिसकी टर्म चार या चार से ज्यादा होती है, बराबर ना। पर ये हमें हमारे कोर्स में अभी पढ़ना नहीं है। फिर दूसरी चीज है डिग्री के आधार पर हमारे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना, बराबर। यानी जो हमारा हाईएस्ट पावर है, हमारे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है हमारे पॉलिनोमियल में, वही हमारी हाईएस्ट डिग्री कहलाएगी, बराबर ना। तो अब यहाँ पर है 8x प्लस 5, बराबर। तो अब यहाँ x की पावर कुछ नहीं है यानी 1, तो ये डिग्री 1 हुई, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और हमारे मोस्टली सम्स जो है हम लीनियर पॉलिनोमियल पर ही करेंगे, बराबर ना। हमने स्टैंडर्ड 8 में भी लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, 9th में भी और 10th में भी, बराबर ना। अब सेकेंड है 4x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ पर देखो हमारी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, बराबर ना, डिग्री हमारी 2 है, तो ये हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड थर्ड वन इज 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये हुआ हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। और मैं आपको बता दूँ स्टैंडर्ड 9th में आइडेंटिफाई द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, बराबर ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें सिर्फ यही बताना है कि हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है और वो कौन सा पॉलिनोमियल बनता है, बराबर ना। 1 डिग्री हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, 2 हो तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, और 3 हो तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, बराबर ना। अब आता है थर्ड, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बराबर। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी ये हमने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ है, हमारे वेरिएबल में कोई एक ऐसा नंबर रखना जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, बराबर ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने लिया 3x माइनस 6, बराबर, ये कोई एक मेरा पॉलिनोमियल है। अब मुझे इसमें x की वैल्यू ऐसी भरनी है जिसे भरकर मैं मेरे पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दूं, तो अब मैं 3x माइनस 6 इक्वल टू जीरो बता देती हूँ, बराबर। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास 3x इक्वल टू 6 हुआ, तो x बराबर 6 अपॉन में 3, तो x बराबर 2। अब मेरे पास x की वैल्यू 2 आई, अब मैं इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखूंगी, यानी 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब आपको पता है, मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, 3 टू जा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 6 ये माइनस का 6 0 इक्वल टू 0, तो ये जो है मेरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। यानी इन शॉर्ट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जहां हम हमारे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करें कि उस वैल्यू की वजह से मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, बराबर। ये होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जहां पर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा वहां पर हमें ऑलवेज एक ही जीरो मिलता है, बराबर ना। अब यहाँ पे मेरा 3x माइनस 6 था, तो यहाँ पर पावर 1 थी, तो मुझे ऑलवेज 1 ही जीरो मिलेगा। अब यहाँ पर यदि मैं 2 ले लूँ तो मुझे यहाँ पर 2 जीरो मिलते हैं, बराबर ना। मेरी डिग्री के आधार पे मुझे मेरे जीरो मिलते हैं। तो ये
मेरा पार्ट वन यहाँ पे कंप्लीट होता है और दूसरा पार्ट जो है वो आपका मैं अभी वीडियो बना के सेंड करूंगी। वो जो है स्टैंडर्ड 10th से हमें रिलेटेड है, ये चीज हमने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ी हुई है, पर ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है पॉलीनोमियल क्या होता है ये बताने के लिए है, इसलिए मेरा सेकंड नंबर का वीडियो भी आप ध्यान से देखना।